अखिल भारतीय कैवर्त कल्याण समिति के तत्वाधान में पूर्णिया के फ्लोर मिल के समीप एक परमंडल स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कैवर्त समाज के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विचार विमर्श किया गया। सम्मेलन में चारों जिले से लोग आए हुए थे, जबकि समिति के कई राज्य स्तरीय अधिकारियों ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। इस दरमियान बताया गया कि उनके समाज के लोग काफी पिछड़ा हुआ है, जिन्हें मजबूत करने के लिए एकजुट रहना जरूरी है। इस दरमियान काशीनाथ भंडारी ने कहा कि समाज के विकास के लिए एकजुट रहना काफी जरूरी है, किंतु अगर कोई खास व्यक्ति इसके जरिए केवल अपना राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं तो वो कहीं से जायज नहीं है, और उनकी कमेटी इन बातों पर ध्यान रखती है। हमारे समाज के बहुत बड़े साहित्यकार थे अनुपलाल मंडल जी, उनके स्मरण में हम लोग कुछ काम करें, उनकी याद में हम लोग कुछ काम करें। दूसरी बात यह जात जो है केवल जात जो है उसकी जनसंख्या लगभग 70 लाख की है बिहार में, हम लोग बहुत पीछे हैं। इस जात का कैसे विकास हो, आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक राजनीतिक सामाजिक कैसे विकास हो, इसके लिए संगठन को मजबूत बनाने के उद्देश्य हम लोग आज ये बैठक करते हैं। अगला कार्यक्रम भी हम लोगों का इसी तरह का होगा, जिसमें समाज को संगठित करें, समाज को एकत्रित करें और समाज को एकत्रित और संगठित करके इस समाज के विकास और कल्याण के लिए हम लोग काम करते हैं। सर, जिस पिछड़ेपन की आपने बात की उसका कारण क्या लग रहा है? मुख्य कारण है हम लोगों में अर्थ की कमी है और शिक्षा की कमी है। अर्थ और शिक्षा की कमी के कारण हमारा समाज अभी तक पिछड़ा है और सरकार भी हम लोगों के प्रति उदासीन है। हम लोग सरकार के समक्ष भी बहुत तरह की बातें रखते आए हैं। पिछले 2 अगस्त को हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे, मुख्यमंत्री जी हम लोग को बुलाए थे समाज के विकास और कल्याण के संबंध में चर्चा करने के लिए। वहाँ पर भी मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने सारी बातों को रखे हैं, उनका आश्वासन मिला था सरकार की ओर से इस पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई खास ध्यान नहीं दिया गया है। और आपके पूर्णिया जिला कटिहार जिला से उस डेलीगेशन में श्रीकांत मंडल जी भी थे हम लोग के साथ में। फिर हम लोग सरकार के पास में बार बार चिट्ठी लिखते हैं, मांग रखते हैं, जाकर के मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रतिफल हम लोगों के पास आया नहीं है। हम लोग संगठन के माध्यम से सरकार के ऊपर भी दबाव डालना चाहते हैं, वही समाज बहुत पिछड़ा है, इस समाज के लिए चिंता। सर, एक सवाल हमारा यहाँ और बनता है कि सर, जिस तरह से स्थिति अभी देखी जा रही है, जातीय आधार पर कई संगठन बना हुआ है, तो जातीय आधार पर इस तरह से अलग अलग संगठन बनना समाज के लिए लगता है कि बेहतर है? सभी लोग अपना सभी समाज के लोग अपने अपने समाज का जब विकास और कल्याण करते तो राज्य और देश का विकास होता है। जिसका हर व्यक्ति का विकास से जुड़ा हुआ है देश का विकास, राज्य का विकास, उसी तरह से जितने भी समाज के संगठन हैं, सभी समाज के संगठन, सभी समाज के लोग यदि अपने संगठन के माध्यम से अपने समाज का विकास करते, वही राज्य और देश का विकास कहलाएगा।